श्रावस्ती जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला नसबंदी कराने के साल भर बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई। महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा 6 घंटे के अंदर ही एक्सपायर हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गलत तरीके से ऑपरेशन की वजह से महिला गर्भवती हुई है और इसी कारण उसका बच्चा एक्सपायर हो गया है। बच्चे दो ही अच्छे परिवार नियोजन की सरकारी मुहिम का ये नारा तो ठीक है, लेकिन जब नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा होने लगे तो जनसंख्या पर लगाम लगाने की मुहिम को कामयाबी कैसे मिलेगी। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से सामने आया है, जहां करीब 1.5 साल पहले नसबंदी करवा चुकी महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला का कहना है कि वह नसबंदी करवा चुकी थी, इसके बाद भी वह प्रेग्नेंट हो गई। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार पिछले कई साल से नसबंदी कार्यक्रम को बढ़ावा देती आ रही है। परिवार नियोजन योजना के तहत नसबंदी कराने पर लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। मामला इकौना थाना क्षेत्र के मनोहरापुर मठखनवा गांव का है, जहां की रहने वाली सुशीला पत्नी रामपुरन ने जनवरी 2022 में इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराया था, लेकिन वो कुछ महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई। सुशीला के पति ने बताया कि 3 माह के गर्भ के बाद जब उसे जानकारी हुई तो उसने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी जानकारी दी। अस्पताल के लोगों ने कहा कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद आपको इसका मुआवजा दिलाया जाएगा। कल सुशीला ने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात में एक बच्चे को जन्म दिया। यहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा सीरियस है और फिर उसे रात 3-4 बजे के करीब इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल भिंगा के लिए रिफर कर दिया गया। सुशीला के पति रामपुरन ने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब उसके बच्चे को NICU में भर्ती किया गया और सुबह 10 बजे के करीब बच्चे ने दम तोड़ दिया। रामपुरन को एक डेथ सर्टिफिकेट देकर बच्चा सौंप दिया गया। बच्चे को लेकर रामपुरन अपने गांव चले गए, जहां पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। रामपुरन का कहना है कि नसबंदी कराने के बाद भी मेरी पत्नी गर्भवती हो गई तो नियमानुसार उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। रामपुरन के पहले से 4 बच्चे हैं और उनका परिवार बहुत ही गरीब है। गर्भवती हुई अच्छा, बता रहे हैं आपके घर वाले कि आपकी नसबंदी हुई थी। हाँ, क्या, कितने दिन पहले? 1.5 साल हो गया सर। 1 साल पहले नसबंदी कराया था, कहाँ पर करवाया था? ये अस्पताल। अच्छा, फिर गर्भवती हुई, फिर पेट से वो नसबंदी 25 तारीख 1 जनवरी 2022 में करवाया था सर। उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो गए सर, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे सर, जब 8-9 महीने बीत गए, उसके बाद में सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई सर। उसके बाद हम निधरक से कुछ पता नहीं था सर। उसके बाद 3 महीने के बाद पता चला, तो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए कोना, वहाँ पर चेक कराया सर, तो पता चला हाँ डिलीवरी का मामला है, मतलब वो बच्चे का मामला है। फिर सर बोले, जब बुलवाया कि नसबंदी हम लोगों ने करवा लिया था, ऐसा कैसे हो गया? तो बोले कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो उसका तुमको मुआवजा मिल जाएगा। इसने कहा मुआवजा मिल जाएगा सर? वो इसी किसी अधिकारी ने कहा सर, हम उसको जानते नहीं ना जी, समुदाय केंद्र में किसी अधिकारी ने कहा सर, हम उसको जानते नहीं नाम से सर। उसके बाद में बोले कि ठीक है, आपको मुआवजा मिल जाएगा। हम फिर सर बोले कि किस दिन आए, तो कहें ठीक है आप आ जाना किसी दिन। फिर सर ऐसे बोल के हम चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद 2-3 महीने बीत गए, आशा से बोले तो आशा ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर आए यहाँ तो बोले ठीक है, ऐसा करो कागज वागज जमा कर दो सर, फोटो कापी करा के अपना। और उसके बाद कागज हमने जमा कर दिया और उसके बाद दस्तखत भी करवा लिया और बोले कि ठीक है जाओ, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। 2-3 महीने 4 महीने के बाद तुमको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ पैसे थोड़े डिलीवरी के बाद मिल जाएंगे सर। ऐसा करने के बाद उसके धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते गए सर। आज फिर क्या नाम, 9 महीना हो गया सर उसका डिलीवरी का, जो दिन आ गया सर। अब हम उसको आज सामुदायिक केंद्र में लेके आए हैं सर, वहाँ अपना जो है क्या नाम इलाज करवाने के लाए हैं सर। तो वो बोल रहे हैं कि बच्चेदानी सिकुड़ी हुई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा सर, हमारे पास पैसे भी नहीं है सर, हमारे भी खर्चा भी, मैं भी परेशान हूँ सर, हार्ट का मरीज हूँ, दिल का दौरा पड़ता है सर मैं। अच्छा, ये जो नसबंदी आपने कराया, इसका जो प्रमाण पत्र आपको दिया गया है जी, प्रमाण पत्र पे किसी अधिकारी का दस्तखत नहीं, एक प्रमाण पत्र आपको किसने दिया सर? इसी सामुदायिक केंद्र में ही दिया था सर, नसबंदी जब कराया।